अक्सर बॉलीवुड के कलाकार आने वाले साल की रिलीज डेट पहले ही तय कर लेते हैं। इनमें से सलमान, शाहरुख और आमिर खान का नाम सबसे आगे आता है, जो बड़ी डेट हमेशा ही फाइनल करके रखते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, साल 2019 में ये तीनों खान ब्रदर्स को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अक्षय कुमार जो कोई भी तारीख पर अपनी फिल्म रिलीज़ कर देते हैं, इस बार अक्की कुछ नया ही करने वाले हैं। साल 2019 के बड़े त्यौहार अक्षय कुमार ने पहले ही फिक्स कर लिए हैं। इस बार अक्की 26 जनवरी या 15 अगस्त को नहीं, बल्कि होली, दिवाली और क्रिसमस पर आपके सामने अपनी फिल्म लेकर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार के आने वाले साल में लगभग 3 से 4 फिल्में हैं, जिनमें से होली पर केसरी, दिवाली पर हाउसफुल 4 और क्रिसमस पर धर्मा प्रोडक्शन के तले बनने जा रही एक ड्रामेटिक फिल्म है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार अक्षय कुमार ने जो छुट्टियां तय की है, इसके बाद तीनों खानों पर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि अक्सर शाहरुख और सलमान जैसे बड़े कलाकार त्योहारों पर ही फिल्में रिलीज करके काफ़ी बड़ी कमाई करते हैं। हालांकि दोस्तों सलमान खान ने अगले साल की ईद तो फिक्स कर ली है अपनी फिल्म भारत से, लेकिन शाहरुख खान और आमिर खान की जो फिल्में हैं अब तक नाम भी तय नहीं है। उनकी क्या तारीख होगी ये देखना दिलचस्प होगा। क्या बड़ा क्लैश होगा या फिर अक्षय कुमार अकेले बाजी मार लेंगे? फिलहाल तो अक्की का पलड़ा अगले साल काफ़ी ज़्यादा भारी दिख रहा है। तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।